एनीवेज पाजी, एक नई फिल्म आ रही है फीवर. ओके फीवर फिल्म आ रही है, मुझे फीवर नहीं आ रहा है. हाँ. तो अब वक्त है उनके हीरो को यहाँ पे इनवाइट करने का. आप सबकी जोरदार तालियों के बीच द वेरी टैलेंटेड मिस्टर अजीत खंडेलवाल. राजीव, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में. थैंक यू वेरी मच. मैं राजीव से आप सबके सामने सवाल पूछना चाहता हूँ कि राजीव को किस चीज का फीवर चढ़ा हुआ है. एक्चुअली इनकी एक फिल्म आ रही है फीवर, उसमें इनकी तीन तीन हीरोइन है. आपको इस बात का फीवर है कि तीन तीन हीरोइन है, या कि इस बात का कि तीन तीन हीरोइंस के साथ स्विट्जरलैंड में रोमांस करने के बाद आपको मेरे शो में आने का मौका मिलेगा, ऐसे आपने सोचा था? सर मुझे इस समय फीवर चढ़ा हुआ है कि मेरी फिल्म रिलीज हो रही है. अच्छा, तो रिलीज होने से पहले जो फीवर चढ़ता है, फिलहाल तो वही फीवर चढ़ा हुआ है मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको भी बुखार चढ़े. अच्छा राजीव, बहुत ही पॉपुलर टीवी एक्टर रहे हैं, तो लेकिन टीवी सीरियल जिन्होंने जितने भी किए हैं, इनकी एक एक हीरोइन हुआ करती थी, हर एक सीरियल में एक, इस फिल्म में तीन है. तो यही रीजन था कि आप टीवी छोड़ के फिल्मों में गए थे? कि वहां पर लंगर लगा हुआ है बल्क में. आपको ऐसा लगता है? मेरे को तो लगता है. तो मेरी फिल्म में तो तीन थी, आपकी फिल्म में चार थी. किसको प्यार करूं, मतलब किसको प्यार करूं? हाँ, उसमें पाजी वो आपकी हीरोइन थी, मेरी बीवियां थी चार, और मेरी तो पाजी सभी लोकल थी, इनकी तो दो विदेशी हैं और एक इंडियन. हाँ, दो, और उसमें से एक जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस रह चुकी है. अच्छा. हाँ, क्या बात कर रहे हैं यार, कमाल है. मतलब मैं तो प्रोड्यूसर मिलने के लिए गया, उन्होंने मुझे कहा कि भैया आपकी फिल्म के अंदर तीन हीरोइन है. अच्छा. बोला एक तो रोनाल्डो की एक्स गर्लफ्रेंड है. अच्छा. दूसरी जेम्स बॉन्ड की एक्ट्रेस है. अच्छा. और तीसरी हमारी गौहर खान है. जी. तो मुझे तो वहीं बुखार हो गया. चलिए, अब वक्त हो गया है फिल्म फीवर की हीरोइन को यहाँ पे इनवाइट करने का. आपकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम गौहर खान. गौहर खान श्रिंक कर गई. तुम्हारी शक्ल हाई वाली नहीं, बाय वाली लग रही मेरे को. कपिल मेरी फिल्म की हीरोइन है. गौहर खान. गौहर. कपिल. कपिल. गौहर. मेरे को पता नहीं गौहर खान, मेरे को ये बड़ी गोबर खान सी लग रही है. तो क्या बोल रहे हो तुम? नहीं मतलब आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब आपके जैसी एक इधर हमारे आसपास बगल में ही रहती है एक, आप उसके जैसी कैसे हो गई? आपको कोई इंजेक्शन तो नहीं लगवाया किसी ने सरला वाला? Excuse me, who is Sarla? तेरा कहने का मतलब क्या है कि वो है टिंडे जैसी लड़की दिखती है? Shut up! आपको थोड़ी ना बोल रहा हूँ मैं. किसी भी लड़की को बोलो, मुझे तकलीफ होती है. मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ. देखिए, मैं यहाँ अपनी तकलीफ के बारे में नहीं, अपनी फिल्म के बारे में बात करने आई हूँ. तो आप प्लीज मेरे फिल्म और मेरे एक्टिंग के बारे में बात कीजिए. आइए प्लीज, वेलकम. जोरदार तालियां हो जाए एक बार. आइए प्लीज. ये बहुत अच्छी एक्ट्रेस है बाजी. अच्छा. हाँ, बहुत. ये रामलीला में चाची ताड़का का रोल करती है. Excuse me? जी. वो सल्ला करती है, मैं गौहर. मैंने आपको थोड़ी ना कहा, मैंने कहा कि जिनसे आपकी शक्ल मिलती वो ये रोल करती है. आपको तो मैंने कहा ही नहीं कुछ. आप तो ऐसे ही पटास वाला पटाखा है भाई. ये सच्ची में आपकी हीरोइन है? हाँ हाँ. गौहर. कपिल. कपिल. गौहर. नॉर्मली काफी प्यार से मिलते हैं सारी हीरोइंस को, बट आई डोंट नो. मैं भी देख रहा हूँ, जा रहे हैं बदतमीजी कर रहे हैं. नहीं, आप सस्पेंस फिल्में करते हो ठीक है, पर ऑडियंस को इतना बड़ा झटका देने की क्या जरूरत थी? व्हाट इज दिस? तो शक हो रहा है बाजी. कप्पू, तुम्हें फिल्म स्टार से बात करने की तमीज नहीं है? ये कप्पू कप्पू बोल रही, लगता बड़ा नजदीकी का रिश्ता है इनका. मुझे तो शक हो रहा है बाजी. मैं यहाँ नहीं रहती, ओके? बांद्रा में मेरा सी फेसिंग घर है, सो प्लीज. सी फेसिंग फ्लैट है. ऐसी लड़कियां बारिश होती ना, हाथ में चप्पल पहन के स्कीइंग करती हैं उल्टा लेट के. देखिए, अगर आप ऐसे फालतू के सवाल करने हैं तो मैं इंटरव्यू छोड़ के जा रही हूँ. मुझे वैसे भी कई जगहों पे जाना है. राजीव, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ रुकी हूँ. आई कांट टॉलरेट दिस मैन. थैंक यू सो मच गौहर. गौहर. कपिल. कपिल. गौहर. ठीक है, ये जो आपने नाम आपका गौहर है, आपको बड़ी रिस्पेक्ट इस वजह से दी जा रही है. तो राजीव, मैं ये आप वेलकम गौहर. बस आई वॉज जस्ट किडिंग. राजीव, आपने पहली बार कैमरा फेस कब किया था? जब कैमरे ने इनको फेस किया था. वाओ, ये तो मैंने सोचा नहीं. ब्यूटीफुल. सीरियसली, आप 2003 में. 2003 में. सो गौहर, अकॉर्डिंग टू यू गौहर, मुझे एक बात बताइए. जब आपने,
इनके होंठों के बारे में बात कर, तुझे पता लग जाएगा असली गौर है कि नकली गौर है। पाजी वो सरला है, ये गौहर खान है। ओ हाँ, तो गौहर जब आपने पहली बार कैमरा फेस किया तो कैमरामैन ने आपको कहा नहीं कि आपका मुंह ब्लर कर रहा है? जी नहीं, रादर उन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत फोटोजेनिक हूँ। उन्होंने आपको कहा नहीं कि जब आप स्माइल करती हैं ई यू करके तो आपके होठ कैमरा के बाहर जाते? आ गया ना, आ गया बाद में। बचाओ 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 यार। What happened? कपिल ये डॉक्टर तो सचमुच में पागल है। वो एक्चुअली में मुझे दीपिका पादुकोण का इंजेक्शन लगाने वाला था। तो बन जाओ ना, फिर क्या हुआ? सरला से गौहर भी तो बनी हो। नहीं नहीं, वो कोई इंजेक्शन विंजेक्शन नहीं था, मैं सचमुच में गौहर खान ही हूँ। अरे वाह, तुम बताती नहीं तो मेरे को पता ही नहीं चला था। तो ये नाटक क्यों कर रही थी फिर उसके साथ मिलके? अरे इनके पापा ने मुझे बोला कि तुम सरला बन जाओ और वो गौहर बन जाएगी, इससे उनका जो सपना है ना कि आप उनको इंटरव्यू करें वो पूरा हो जाएगा। How sweet. लेकिन जैसा इंटरव्यू इन्होंने किया है ना, इससे अच्छा ना ही करते। तो जैसी लड़की तुम हो ना, इससे अच्छा लड़का ही होती तुम। दोस्त तो बनते हम। कप्पू, पापा। एक बार गौहर और राजीव के लिए जोरदार तालियां। वेलकम गौहर, प्लीज। हेलो, हाय। अच्छा एक टाइम था पाजी जब फिल्में ऐसी बनती थी कि इश्क प्रेम रोग दिल दिया और दर्द लिया। आजकल शरीर की बीमारियों पे फिल्में बनने लगी हैं। कैसे? फीवर, मैं दीवाना तेरी पत्थरी का आ जाएगी। तो आपकी फिल्म का नाम है फीवर जी। आपकी फिल्म में दोनों में से फीवर किसको है बेसिकली? एक्चुअली फीवर अलग किस्म का सभी कैरेक्टर्स को है, बिकॉज़ अच्छा जैसे हमारे डायरेक्टर डिस्क्राइब करते हैं, फीवर इज एन एक्सप्रेशन ऑफ इनर रेज। ओके, इट कुड बी आप उसे टेम्परेचर वाइज ले लें, या अनरेस्ट के सिचुएशन में डाल दें, या प्यार के एक्सट्रीम, प्यार एक्सट्रीम पागलपन के एक्सप्रेशन में डाल दें। सो द मूवी इज अ ब्लेंड ऑफ ऑल ऑफ दैट। राजीव ना टीवी में बड़े सीधे साधे रोल किया करते थे। राजीव भाई बैठिए आप प्लीज। फीवर में ये कॉन्ट्रैक्ट किलर बने हैं, टीवी में ऐसा क्या हुआ भाई जो गुस्सा उतार रहे हैं आप, फिल्म में मार रहे हैं लोगों को, ऊपर से भूल भी जाते हैं आप? मैंने देखा ट्रेलर में आप बंदे बंदे मार के भूल जाते हो। हम खाना खा के भूल जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है। आदमी मार के कह रहा मैंने कत्ल किया था। इसमें तो एक शॉट में बंदियां भी मार रहे हैं। हाँ, पाप लगे, भगवान माफ नहीं करेगा आपको। अच्छा कपिल ये बताओ, आपके सेट पे जितनी भी लड़कियां आती हैं आप सबके साथ में फ्लर्ट करते हो जी? क्यों, आप क्यों जल रहे? मैंने पूछा, आपने मेरी तीन तीन लड़कियों के साथ रोमांस किया मेरी फिल्म में? ऑफ कोर्स, आप सुबह अभी स्टार्टिंग से लेकर अभी तक मेरी फिल्म के बारे में बात कर रहे हो तो आपकी फिल्म में मेरी किस्मत है। पर आप बड़ी ब्यूटीफुल लग रही हो आज। थैंक यू। आप पंजाब जाओ ना, पंजाबी के न्यूज़पेपर छपते हैं ऐसे। मुझे पता था कि एक ना एक ये आएगा ही मुझ पर कमेंट। पर आपने कितनी खूबसूरत ये ऑर्नामेंट्स पहने हुए हैं गौहर, ये क्या नीलम है? दिखाओ, नीलम है। हाथ पकड़ने का बस कोई भी बहाना चाहिए। अब इतने पत्ते खुल चुके हैं ना, कोई बहाना काम नहीं करता।